टीम इंडिया श्रीलंका के दौरे पर है और वनडे सीरीज जीतने के बाद आज टीम इंडिया का पहला T20 मैच श्रीलंका से है। ऐसे में हमारे साथ यहां पर प्रयागराज के ये युवा खिलाड़ी टीम इंडिया श्रीलंका के दौरे पर है और वनडे सीरीज जीतने के बाद आज टीम इंडिया का पहला T20 मैच श्रीलंका से है। ऐसे में हमारे साथ यहां पर प्रयागराज के ये युवा खिलाड़ी हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग यहां पर खेलते हैं और इनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि टीम इंडिया ये जो सीरीज़ है T20 की उसको क्लीन स्वीप करेगी। हमारे साथ यहाँ पर उत्सव हैं, हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आप खुद भी एक फास्ट बॉलर हैं, आप बैट्समैन भी हैं, क्या कहना चाहते हैं कि आज के मैच में टीम इंडिया से कौन अच्छा प्रदर्शन करेगा और कैसी सीरीज होने वाली है? वेल, आई वुड लाइक टू से मैच आज काफ़ी रोमांचक होगा। काफ़ी दिनों के बाद कोरोना जैसे बीमारी से जल्दी मतलब मैच हो पा रहा है, तो भुवनेश्वर कुमार एज अ बॉलर, आई एम अ बॉलर ऑल्सो, सो आई वुड लाइक टू से दैट भुवनेश्वर हैज़ द चांस टू सजेस्ट एवरी यंगस्टर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम ऑफ नटराजन इज ऑल्सो यंगस्टर टूडे। सो आई बैट्समैन में कौन अच्छा करेगा? बैट्समैन में आई वुड थिंक पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ जो है ये टीम इंडिया के लिए ट्रुप का इक्का होंगे, क्योंकि हालांकि उनकी जो ओपनिंग है वो खुद करेंगे। आप क्या मानते हैं, श्रीलंका हालांकि आखिरी जो मैच अभी जो वनडे का हुआ है उसमें कमबैक करी है, क्या श्रीलंका फिर से कमबैक कर सकती है T20 के पहले? हाँ, ऐसा है कि श्रीलंका कमबैक कर सकती है, लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत वीक है, तो इसलिए उनको अपनी बॉलिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि बैट्समैन है इंडिया के पास रवि किशन है और शिखर धवन है, और अभी अभी सूर्य कुमार और ईशान किशन का डेब्यू हुआ है, तो इन दोनों पे भी नज़र है कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। तो श्रीलंका को बॉलिंग पे सबसे ज़्यादा अपना फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, श्रीलंका को बॉलिंग में देखना होगा, क्योंकि IPL के मैचेस में जितने भी खिलाड़ी टीम इंडिया खेल रहे हैं वो सब खेल चुके हैं। आप क्या मानते हैं, आखिर कौन सा बल्लेबाज टीम इंडिया का होगा जो एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करता हुआ नजर आएगा? पृथ्वी शॉ इस समय बहुत अच्छे फॉर्म में है, अपने करियर के पीक में है, तो पृथ्वी शॉ से काफ़ी उम्मीदें हैं। और दूसरे सूर्य कुमार यादव काफ़ी डिपेंडेबल बैट्समैन हैं और उन्होंने अपनी मतलब एबिलिटी प्रूव करके दिखाई है तीनों ODIs में। उनको फिटेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला है, तो ये दो बैट्समैन आई एम श्योर कि कुछ अच्छा करेंगे सीरीज। आप क्या मानते हैं कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा रहेगा? जी, पृथ्वी शॉ और ईशान किशन पे नज़रें रहेंगी हमारी। अच्छा रहेगा जी, और दीपक चहर बॉलर में, दीपक चहर से भी हमारी बहुत उम्मीदें रहेंगी इस सीरीज़ में। जी, ये अच्छा लगा जी। आप बताओ, हमारे पास साथ कुछ छोटे खिलाड़ी भी हैं, या फिर कहेंगे कि उम्र छोटी है लेकिन इनकी जो बैटिंग है वो बहुत अच्छी है, ये क्या मानते हैं कि कैसा मैच होने वाला है आज का? ये मैच तो वन साइडेड रहेगा, इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि श्रीलंका के पास तो बॉलर तो है नहीं, मतलब अकेला धनंजय है जो स्पिनर है ठीक ठाक है, लेकिन इंडिया के पास बैट्समैन सूर्य कुमार है, और बैटिंग में अगर देवदत्त पाडिकल खेलते हैं तो देवदत्त पाडिकल। आप क्या मानते हैं कौन सा प्लेयर रहेगा? पृथ्वी शॉ। तो बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये खिलाड़ी जितने भी हैं ये सब पृथ्वी शॉ की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी शॉ जो होगा वो वन साइडेड गेम कर देगा। हालांकि श्रीलंका से 3 T20 की ये सीरीज़ है, अब देखना दिलचस्प होगा क्या तीनों T20 टीम इंडिया जीत पाती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर उदा, पंजाब केसरी TV, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।